स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 7 क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का। चैप्टर 7 सेकंड बुक के एनसीईआरटी जो बॉक्स है, इंपॉर्टेंट बॉक्स जहां से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं 2020 बोर्ड एग्जाम में। आप ध्यान से एक बार देखिए, मैं आपको मेन मेन सारे बॉक्स कराने वाला हूँ। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले देखिए ये जो आपके सामने एक चित्र है, इनका नाम है नामदेव ढसान। ये क्या है, ये एक कवि है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नामदेव जो कवि थे वो किस भाषा में लिखते थे। तो ये मराठी भाषा में अपनी कविताएं लिखते थे, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया, इन्होंने कविता लिखी थी कि सदियों तक सफर किया उन लोगों ने, सूरज की तरफ पीठ किए, लेकिन अब हमें कहना है ना अंधेरे की इस पथ यात्रा से। यानी अब हमें ना कहना है अंधेरे की इस पथ यात्रा से। हमारे पुरखे अंधेरे को ढोते ढोते झुक गए, लेकिन हमें उतारना है बोझ उनकी पीठ से। इस अनुपम नगर के लिए बिखरा था लहू। अब देखिए यहाँ पे इतना ज्यादा पढ़ के फायदा नहीं है, मैं मेन चीज हाईलाइट कर देता हूँ। एक बार आप देख लीजिए, मैंने आपके सामने यहाँ पे दो चीजें हाईलाइट कर दी। एक तो अंधेरे की इस पथ यात्रा से, और दूसरा सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर। यानी कि अंधेरे की जो पदयात्रा कर रहे थे, ये इससे इनका संकेत उन लोगों की तरफ है जो दलित थे और जिनके साथ जातिगत भेदभाव होता था। यानी कि जाति प्रथा हमारे समाज में रही है, आप सभी जानते हैं। तो कुछ जातियां ऐसी होती थी जो निम्न दर्जे की जाति मानी जाती थी और उनके साथ भेदभाव होता था, छुआछूत अस्पृश्यता जैसी समस्याएं थी। तो उनकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं। और सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर जो है वो कौन है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्योंकि इन्होंने इनके साथ जो भेदभाव हो रहा था उसको खत्म करने के लिए, उसके लिए एक लंबा संघर्ष किया, एक लंबी लड़ाई लड़ी। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बनेगा कि ये कौन है, तो आप बोलोगे कवि है। किस भाषा के कवि, आप बोलोगे मराठी भाषा के कवि है। और कभी कभी पेपर में ऐसे स्टेटमेंट आ सकती है, उस स्टेटमेंट से आपका मतलब पूछा जा सकता है। तो आपको इतना ध्यान रखना था। एक बॉक्स आपके सामने ये है BKU। BKU का मतलब है भारतीय किसान यूनियन, जो कि एक किसानों का संगठन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसने कहा था कि कृषि को, यानी खेती को, जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन है, उससे बाहर रखने की बात कही थी। इन्होंने चेतावनी दी, अगर भारत ने कृषि को विश्व व्यापार संगठन के दायरे से बाहर रखने के लिए कदम नहीं उठाए तो देश में इसके सामाजिक और आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई विश्व व्यापार संगठन जो है वो विश्व में व्यापार के नियम तय करता है, और अगर कृषि को भी उसमें रख दिया जाता तो कृषि से रिलेटेड नियम भी कुछ ना कुछ व्यापार के वहां से तय होते। तो इस चीज का इन्होंने विरोध किया है। तो यहाँ पे इतना ही आपको ध्यान में रखना था। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इस चैप्टर में बनेंगे, तो वो दो बॉक्स है। पहला बॉक्स तो ये है NFF वाला, और दूसरा बॉक्स RTI वाला है, जो आगे बढ़ाने वालों। NFF का मतलब क्या है, शॉर्ट में आपसे दे सकते हैं, और इसका विस्तृत नाम या फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। फिश वर्कर्स वो होते हैं जो मछुआरे होते हैं, ठीक है। फोरम उनका मतलब संगठन टाइप का आप समझ सकते हैं इसे। तो ये मछुआरों का संगठन है। इसने विरोध किस चीज का किया था, आपको सबसे पहले तो ये समझना है। देखिए इन्होंने बॉटम ट्रावलिंग का विरोध करा था। बॉटम ट्रावलिंग का मतलब ये होता है कि समुद्र में मशीनों के द्वारा मछलियों को पकड़ना, मारना, और वो भी गहरे पानी में जाकर। और ये हो सकता है केवल और केवल टेक्नोलॉजी से। तो टेक्नोलॉजी, ये जो मशीनें होती हैं, इसे बॉटम ट्रावलिंग कहा जाता है। देखिए जैसे मछुआरा है, अगर वो जाल से मछलियां पकड़ेगा, तो जाल से आप समझ सकते हो जाल कितनी दूर फेंक सकता है, कहाँ फेंक सकता है, कितना, मतलब एक छोटे लेवल पे काम हो सकता है। लेकिन जब वो जाल की जगह अगर वो बड़ी बड़ी मशीनों से काम होगा, तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब मछलियां पकड़ी जा सकती हैं। तो इससे क्या होगा, अगर बॉटम ट्रैवलिंग होती रहेगी, मछलियां बहुत ज्यादा पकड़ी जाती रहेंगी, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि मछलियां कम हो जाएंगी, और हो सकता है मछलियां खत्म हो जाए। तो ऐसे में फिर ये जो मछुआरे लोग हैं, इनके जीवन पे गलत असर पड़ेगा, इनकी आजीविका संकट में आ जाएगी। इसलिए सरकार से इन्होंने मतलब ये मांग रखी थी कि जो सरकार ने बॉटम ट्रैवलिंग की इजाजत दे रखी है, मशीन के द्वारा मतलब मशीनीकृत मत्स्य आखेट की जो इजाजत दे रखी है, उसका इन्होंने विरोध करा, ठीक है। तो इसीलिए इनका ये संगठन है, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। और देखिए ये जो मत्स्य आखेट है, ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का। राज्य सूची क्या होता है, आई होप आपको पता होगा।
अगर आपने क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो आपको वहां पे पता होगा कि राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची क्या होती है। देखिए हमारे यहाँ पे आपको पता है हमारे यहाँ पे क्या है, संघवाद वाली चीजें हैं, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। तो ऐसे कुछ क्षेत्र होते हैं जैसे कुछ राज्य सूची के विषय जो होते हैं जिसमें राज्य की सरकार कानून बना सकती है, संघ सूची के विषय वो होते हैं जिसमें केंद्र की सरकार कानून बना सकते हैं, और संवर्ती सूची के विषय वो होते हैं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों बना सकती है, लेकिन अगर कभी विवाद हो जाए तो केंद्र का जो कानून है उसे माना जाएगा। तो ये जो मत्स्य आकेट है ना, ये जो मछलियों का शिकार करना, मछलियों को पकड़ना, ये राज्य सूची का विषय है ना कि संघ सूची का, राज्य सूची का विषय है। इसीलिए मछुआरे जो है वो ज्यादातर क्षेत्रीय स्तर पर ही लामबंद हुए, इकट्ठे हुए, लड़ाई के लिए तैयार हुए, आंदोलन के लिए तैयार हुए क्षेत्रीय स्तर पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1980 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में क्या हुआ था, उदारीकरण की नीति की शुरुआत वैसे तो 1990 के बाद ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि लेकिन इसकी अगर सही बात करें तो 1985 से इसके मतलब इसका आगे का विकास दिखना शुरू हो गया था, उदारीकरण की नीति। तो इससे मजबूर होकर मछुआरों ने क्या करा, अपना स्थानीय स्तर पर एक संगठन बनाया, एक स्थानीय संगठन बनाया जो कि पूरे राष्ट्रीय मंच पर जाकर अपनी बातों को रख सके। ठीक है, ये कैसे ही था मैं आपको बताता हूँ, एक स्टेट से फिर दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट से, मतलब हर जगह जो मछुआरे थे अलग अलग राज्यों में उन सबको इन्होंने लामबंद करना शुरू करा ताकि इनकी बातों को बड़े लेवल पे रखा जा सके। तो इन्होंने क्या करा, 1997 में, 1997 में केंद्र सरकार के साथ अपनी पहली कानूनी लड़ाई लड़ी थी जिसमें ये जीते, सफलता मिली, और इसके बाद इनकी जो मांगे थी वो एक बड़े लेवल पे इन्होंने एक राष्ट्रीय मंच से सरकार के सामने रखना शुरू किया। ठीक है, और इनकी लड़ाई सरकार की खास नीति के खिलाफ थी। कौन सी नीति, देखो केंद्र की जो सरकार थी उसकी नीति थी कि उसने व्यावसायिक जहाजों को गहरे समुद्र में मछली मारने की इजाजत दी थी, ये चीज इनके रोजगार पे असर डाल रही थी। अगर मशीनों से मछलियों को मारा जाएगा तो 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल बाद मछलियों की संख्या बहुत ही कम हो जाएगी, और इससे जो ये व्यावसायिक जहाज थे ये तो भाई कम समय में ज्यादा लाभ कमा लेंगे, फायदे में रहेंगे, सरकार को भी फायदा होगा, लेकिन जो असली मछुआरे हैं उनका क्या होगा, आप ये सोचिए कि जो मछुआरे हैं उनका क्या होगा। तो उन मछुआरों के सामने समस्या थी, इसीलिए इन्होंने केंद्र सरकार की इस नीति का विरोध किया था। इस नीति के कारण अब बहुराष्ट्रीय निगम जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं उनके लिए भी इस क्षेत्र के दरवाजे खुल गए थे। ठीक है, क्योंकि ये जो एमएनसी होती है, जो अलग अलग देशों की कंपनी होती है, सरकार ने लाइसेंस दे रखा है, सरकार ने परमिशन दे रखी है, तो बाहर की कंपनियां भी इस क्षेत्र में आ जाएंगी, उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, और इससे जो देश के मछुआरे हैं उनको तो नुकसान है, क्योंकि भाई रोजी रोटी तो उनकी जा रही है, बाहर की कंपनी है आ जाई कमा के चली गई, कोई उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा देश में क्या हो रहा है, लेकिन जो वहां के रहने वाले हैं जिनकी रोजी रोटी जिंदगी उस पर निर्भर करती है वो कैसे रहेंगे। इसलिए सबसे बड़ी समस्या आ रही थी, इसीलिए मछुआरों ने इसका विरोध करा था। पूरे 1990 के दशक में एनएफएफ ने केंद्र सरकार के साथ बहुत सारी कानूनी लड़ाइयां लड़ी, सार्वजनिक संघर्ष किया, और इस मंच ने उन लोगों के हितों की रक्षा का प्रयास किया जो अपने जीवन यापन यानी अपनी रोजी रोटी के लिए मछली मारने के पेशे से जुड़े थे, ना कि उनके जो इस क्षेत्र से केवल लाभ कमाने के लिए निवेश करते थे। आप समझ गए होंगे इस बात को कि ये जो मछुआरे थे इनका जो मेन संघर्ष था सरकार के खिलाफ इस चीज को लेकर था कि वो लोग जो मछली मारने के पेशे से जुड़े हुए हों उनका मतलब उनकी जिंदगी संवर जाए, ना कि उन लोगों की जो मतलब थोड़ा सा लाभ कमाने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो 2002 में इन्होंने क्या करा, एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल की, और इस हड़ताल में इन्होंने विदेशी कंपनियों को सरकार द्वारा जो मछली मारने की जो इजाजत दे रखी थी जिसे लाइसेंस कहा जाता था, लाइसेंस दे रखा था, उसका इन्होंने विरोध करा। ठीक है, इससे क्या था, इससे पारिस्थितिकी की भी सुरक्षा हो सकेगी, रक्षा हो सकेगी, पारिस्थितिकी मतलब एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना होता है कि सभी चीजें एक दूसरे पे जुड़ी होती हैं, तो उसकी रक्षा हो जाएगी, और मछुआरों का जो जीवन है वो भी बचाने के लिए इन्होंने अपने जैसे समधर्मा संगठनों के साथ हाथ मिलाया, या और ऐसे संगठन जिनके द्वारा इन मछुआरों की बातें रखी जाती थी उनसे भी इन्होंने हाथ मिलाया। तो अब ये एनएफएफ जो है इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ये बताना है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि एनएफएफ का पूरा नाम नेशनल फिश वर्कर्स फोरम है। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना किस चीज का विरोध करा था, बॉटम ट्रावलिंग का, यानी कि जो गहरे पानी में जो मशीनों के जरिए मछलियां पकड़ी जाती थी इसका विरोध इन्होंने करा था। इन्होंने पहले लड़ाई कब लड़ी थी केंद्र सरकार के खिलाफ, 1997 में, जिससे ये जीते थे।
और इन्होंने विरोध किस किस बात का करा था, इन्होंने विरोध करा था कि सरकार ने जो विदेशी कंपनियों को जो लाइसेंस दे रखा है, यानी विदेशी कंपनी को जो अधिकार दे रखे हैं मछली मारने के मशीनों से, उसका विरोध करा था इन्होंने। बस ये इंपॉर्टेंट था। एक ये देखिए, महिलाओं ने शराब माफिया को हराया, ये ताड़ी विरोधी आंदोलन है, जिसमें ये बताया गया है कि जो आंध्र प्रदेश राज्य था, उस राज्य में गुंडलूर जो गांव है, वहां की महिलाओं ने किस प्रकार से ताड़ी की जो बिक्री हो रही थी उस पे पाबंदी लगाने की बात की थी, क्योंकि इनके जो महिलाओं के जो पति होते थे वो ताड़ी वगैरह पीते थे, जिससे नशा होता था और फिर वो घर में लड़ाई झगड़ा करते थे और घर की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, इसलिए महिलाओं ने सामने आकर आंदोलन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्स, बॉक्स टू, एक तो NFF वाला बॉक्स और दूसरा ये RTI वाला बॉक्स। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, आपको ध्यान रखना है। RTI की शुरुआत की बात करते हैं, देखिए जो जो हाईलाइट करूंगा आप उसे ही ध्यान देना, मैं पहले हाईलाइट कर देता हूं। देखिए मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया मेन मेन, अब आपको मैं बताता हूं कि आखिर हुआ क्या था। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो सूचना का अधिकार, जो RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो आज हमें ये अधिकार प्राप्त है, ये आखिर ये कैसे आया। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1990 में हुई थी। किसने शुरुआत की थी? मजदूर किसान शक्ति संगठन, जिसको शॉर्ट में MKSS के नाम से जाना जाता है। और ये किस राज्य से संबंधित था? ये राजस्थान राज्य से संबंधित था। राजस्थान में क्या हुआ था कि जो बाढ़ और जो अकाल, सॉरी बाढ़ की जगह अकाल, अकाल राहत कार्य में मजदूरों के द्वारा दी, मजदूरों को दी जाने वाली पगार रिकॉर्ड का सार्वजनिक खुलासा किया जाए। इन्होंने ये कहा था कि भाई जो भी मतलब अकाल राहत का कार्य किया गया था, उसमें मजदूरों को जो पैसे दिए गए थे, मजदूरों ने जो भी काम किया था उनको जो भी पैसा दिया गया, उसका सार्वजनिक खुलासा किया जाए कि भाई कितने मजदूरों ने काम किया, कितना पैसा दिया, सरकार से कितना मिला, आपने कितना दिया, इसके बारे में इन्होंने मांग की। क्योंकि इनको ये लग रहा था कि जो इनको पैसे दिए गए ना कुछ घपला हुआ है। ठीक है, इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि स्कूलों, डिस्पेंसरी, छोटे बांध और जो सामुदायिक केंद्र है उसका जो निर्माण कार्य हुआ था, यानी कि जो स्कूल बनाए गए थे, डिस्पेंसरी बनवाए गए थे, छोटे बांध बनवाए गए थे, सामुदायिक केंद्र बनवाए गए थे, कम्युनिटी सेंटर जिसको कहा जाता है, इस दौरान उन्हें जो मजदूरी दी गई थी उसमें बहुत भारी घपला किया गया, यानी कि इनको मजदूरी बहुत कम दी गई और पैसे जो है ऊपर वाले जो लोग हैं वो खा गए, इनको ऐसा लग रहा था। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई सारे काम में जो धन पैसा है उसमें काफी हेरा फेरी हुई है, इसके लिए इन्होंने विरोध करा 1994 में। और उसके बाद 1996 में ये जो MKSS था, मजदूर किसान शक्ति संगठन था, इसने जन सुनवाई का आयोजन किया और प्रशासन को यानी सरकार को इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए कहा कि जो भी भाई पैसा लगा है उसका पूरा पूरा मतलब हिसाब दो, ये कहा। आंदोलन के दबाव में सरकार को, जब सरकार ने देखा कि भाई आंदोलन बड़े लेवल में फैल रहा है, लोग बहुत ज्यादा शामिल हो रहे हैं, तो सरकार दबाव में आई और राजस्थान, उन्होंने कहा कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो है उसमें संशोधन किया इन्होंने, संशोधन इनको करना पड़ा। और अब इन्होंने संशोधन करके ये कहा कि दस्तावेज मतलब जो भी मतलब जनता को पंचायत के दस्तावेज जो है उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति मिल गई, यानी कि उसकी एक फोटोकॉपी उपलब्ध हो जाएगी प्रमाणित मतलब अटेस्टेड वहां से बिल्कुल ऑफिशियल कि भाई इतना इतना बजट था, इतना खर्चा हुआ है, इतने लगे हैं लाभार्थियों और जो भी मतलब पैसा दिया गया है, जिसे पूरी की पूरी डिटेल उसमें इनको उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसा करना उन्होंने कहा कि भैया ये अब जरूरी है। तो एक तरह से एक जीत तो इनको यहाँ पे मिल गई, लेकिन फिर ये जो संगठन था इसने 1996 में दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन किया। ठीक है, राष्ट्रीय लेवल पे, क्योंकि राजस्थान में हो गया ये, एक चीज ध्यान रखिए, राजस्थान से शुरुआत हुई, राजस्थान में ऐसा हो गया, लेकिन पूरे देश में अभी भी ये करना बाकी था। तो इन्होंने क्या करा, दिल्ली में गए और पूरे मतलब बड़े लेवल पे करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन करा। और इस कार्यवाही का लक्ष्य था कि सूचना के अधिकार को राष्ट्रीय अभियान का रूप देना, यानी अब ये राज्य तक सीमित नहीं पूरे देश तक आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए क्या हुआ भाई, सरकार ने 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नाम से एक विधेयक लेकर आ गई, लेकिन ये पारित तो हुआ पर ये एक कमजोर विधेयक था, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, अमल में नहीं लाया गया। तो इसके बाद क्या किया गया, सन 2004 में
सूचना के अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार एक विधेयक सदन में रखा गया और जून 2005 में इसको राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई। राष्ट्रपति से जैसे ही मंजूरी मिल जाती है फिर ये विधेयक विधेयक नहीं रह जाता, ये बिल बिल नहीं रह जाता, ये एक एक्ट बन जाता है यानी कि एक कानून बन जाता है। तो ये 2005 में लागू हो गया। तो ये आरटीआई वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, और कोई बॉक्स है इंपॉर्टेंट तो देखते हैं। बस यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर 8 के जो इंपॉर्टेंट बॉक्स हैं उसको लेकर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखें वीडियो को अच्छे से, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।